गरमाइए लाओ तुम कर खाओ मारे तुम क्या हो एक पर कर लेंगे फिल्म कर लेते हैं बंदे कितनी लागत है इसकी, किस फंड के तहत जो हुआ है? आज केशव पंचायत का ये जो चक बबराल का गांव है, जो सीमा बॉर्डर सीमा के बिल्कुल जीरो लाइन पे पड़ता है, वहाँ पे आज कम्युनिटी हॉल की बाउंड्री वॉल के लिए आज जो काम है वो स्टार्ट करवाया गया है। इसकी लागत 3,62,000 PRI स्कीम के तहत इसको रखा गया था हमने, और आज उस काम को स्टार्ट करवाया गया है। ये काम पिछले साल ही हो जाना था, लेकिन बदकिस्मती से जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसके नाम ये टेंडर निकला था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में रीटेंडरिंग हुआ है और एक साल इसमें पड़ गया दोबारा टेंडर होने में, तो आज इसका जो काम स्टार्ट हो गया है। चंद दिनों के अंदर जब बाउंड्री वॉल जो है और गेट लग के फर्स्ट क्लास चूना चाना करके रेडी हो जाएगा और गांव को समर्पित कर दिया जाएगा। ये काफ़ी लंबे समय से लोगों की ये एक डिमांड थी, तो आज हमने उसको पूरा किया। और जब मैं इलेक्शन में इस गांव में आया था, लोगों ने मेरे से डिमांड की थी कि एक जहां पे किचन शेड बनाया जाए, जो खाना वगैरह पकाते हैं, कहीं कोई फंक्शन होता है तो बारिश में वो खाने पकाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं उसको भी ये एक आश्वासन दिलाता हूँ इस गांव के लोगों को कि उसको जल्द से जल्द किचन शेड भी जो है उसको भी बनाया जाएगा। और बाउंड्री वॉल जो है ये फर्स्ट हमने रख के काम तो इसको सुचारू किया है, तो इसके साथ ही जैसे पीछे एक तालाब है इसका भी जो खस्ता हालत है इसको भी सुधारने में हम बहुत जल्द इस पर काम जो शुरू करवाने वाले हैं। इसके साथ साथ ही जैसे पीछे शमशान घर है वो वहाँ पे जो रोड जाता है वो लोग बहुत परेशान हैं, जब भी कोई कैजुअल्टी हो जाती है, कोई जहाँ से डेड बॉडी को लेके जाना होता है तो लोगों को बहुत परेशानी आती है। उसका भी चंद दिनों में मेरे को लगता है कि 31 मार्च से पहले पहले लुक डाल दी जाएगी और लोग जो है वो महसूस करेंगे कि आज हमारे केशव पंचायत की जो तरक्की है वो देखने को मिलेगी। ऐसे ही मैंने पिछले गली का तो काफ़ी डिस्प्यूट था, उसको भी सॉल्व करते हुए लोगों के साथ जो इस गांव के लोग हैं उन्होंने बैठ के वो उसको सॉल्व किया और वो गली बना दी गई। वहाँ पे मेरा एक पंच था, वो भी हमें अफसोस है इस बात का कि वो हमारे बीच में नहीं रहा, और उसके बाद में जाने के बाद में हमने वो गली जो है वो बना दी। एक वो पीछे एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ भी मैंने 4 लाख की लागत से एक गली वो बहुत सुंदर तरीके से बनाकर लोगों को समर्पित कर दी है। हमारी जो पंचायत है वो तरक्की की राह